समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। पुलिस की स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि। जबलपुर के 6वीं बटालियन में हर साल की तरह इस साल भी पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया, जहां पर जबलपुर आईजी कलेक्टर आईपी सहित 6वीं बटालियन के कमांडेंट ने शहीद स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद पुलिस कर्मियों को याद किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में पहुंचे शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों ने भी अपने सपूत को याद किया। इधर जबलपुर आईजी अनिल सिंह कुशवाहा ने शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों को शॉल स्लीफर देकर सम्मान करते हुए उन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय आरक्षक 770। 21 अक्टूबर को शहीद दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज 6वीं वाहिनी परिसर जो रांझी में है, यहाँ पे जबलपुर पुलिस द्वारा जो है शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कितने जवान हैं? कुल 216 जवान जो हैं गत वर्ष शहीद हुए थे, जिनके सम्मान में श्रद्धांजलि यहाँ पे जो है दी गई है। सर उनके परिजन भी? उनके कुछ परिजन जो जबलपुर के निवासी हैं, 3 ऐसे हैं जिनको आईजी जो चीफ गेस्ट थे श्री अनिल सिंह कुशवाहा, उनके द्वारा उनको साल सिफल सम्मानित भी किया गया है। ये प्रत्येक साल जो है 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। जब 1959 में जब हॉट स्प्रिंग वैली में जब कैजुअल्टीज हुई थी सीआरपी की, तो उसके यादगार जो यहाँ पे शहीदों को सम्मान के लिए प्रत्येक वर्ष सुनिश्चित किया गया कि सीआरपी और अन्य जो पैरामिलिट्री फोर्सेज और साथ में राज्य की जो पुलिस हैं, जो पूरे साल के दौरान सेवा के दौरान रहते हुए शहीद हो जाते हैं, कर्तव्य की वेदी में अपना बलिदान देते हैं, उसके सम्मान में हम श्रद्धांजलि देते हैं। आज 21 अक्टूबर 2024 को शहीद दिवस, पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर आज हमारे देश में पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बल के जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी 216 लोगों के, जिन्होंने 2023-24 में जो अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हुए, उनके सम्मान स्वरूप आज उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित किया है। आज पुलिस कर्मियों के शहीद दिवस का आज कार्यक्रम है। इस अवसर पर मैं सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।